अस्सलाम वालेकुम। हाँ, दिस इज मो। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, अगर आप देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, और आज उसी सीरीज की एक वीडियो है जिसमें हम लोग अल्फा हेलिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है या आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, सो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। इसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट्स को डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग ये समझेंगे कि वो रामाचंद्रन प्लॉट की जो फाई एंड साई की जो एम्पलीफिकेशन है, ठीक है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग किस तरह से देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। सो अब आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि बेसिकली अल्फा हेलिक्स होता क्या है, तो अब आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं उस बारे में। सो एज वी नो कि जो आपके पास प्रोटीन था, अगर बिल्कुल बेसिक की बात की जाए, प्रोटीन वर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड इनके क्या है, इनके मोनोमर्स हैं। अब एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो हम लोगों ने प्रोटीन को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। लाइक हम लोगों ने ये बात की कि जब अमाइनो एसिड आपस में वाया पेप्टाइड बॉन्ड एक खास सीक्वेंस में जुड़ेंगे, तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि विद इन द सेम पेप्टाइड, मतलब कि विद इन द सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये इस तरह से एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, इस तरह से, ठीक है, जब ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो अब इस वीडियो में हम लोग उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डिटेल वीडियो के वो कितने किस्म के होते हैं, कितने उसमें होता क्या क्या है, सेकेंडरी मतलब क्या, अल्फा हेलिक्स, उसके बाद बीटा शीट, उसके बाद आपके पास रिवर्स टर्न्स होती हैं, उसके बाद आपके पास नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों टिपिकली इस अल्फा हेलिक्स को डिस्कस करना है कि ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है। सो अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स जो आपके पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप है, वो होता क्या है। सो ये सब कुछ स्टार्ट होता है एस्टबरी के एक्सपेरिमेंट से, जिसको हेल्प में लिया दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था लीनियस पॉलिंग एंड कोरी। आई वुड से पॉलिंग एंड कोरी। पॉलिंग द मोस्ट फेमस वन। अगर आपने केमिस्ट्री में पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, विच एक्सप्लेन्स यू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो ये वही लीनियस पॉलिंग थे। कौन से पॉलिंग? लीनियस पॉलिंग। और इनके एक और साइंटिस्ट थे, मतलब के जो इनके साथ काम कर रहे थे, इनके कोलिग, विच इज कोरी। इन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था एस्टबरी, इट्स बी राइट। अच्छा, अब एस्टबरी कौन थे? एस्टबरी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थे। क्या थे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर, यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया करते थे। अब उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिनमें उन्होंने एक हेयर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हेयर प्रोटीन, जिसको आप लोग केराटिन कहते हैं, केराटिन। तो एस्टबरी ने इस हेयर प्रोटीन को स्टडी किया, और जब उन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता लगा, यानी जब इस प्रोटीन की, इस केराटिन की जब उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, तो उन्हें ये डेटा मिला कि ये जो प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके स्ट्रक्चर में आफ्टर 5.15 टू 5.5.2 एंगस्ट्रॉम ये स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट मतलब के केराटिन एक इस तरह की चीज़ से बना हुआ है, यानी कि केराटिन के अंदर जो प्रोटीन की कन्फर्मेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि आफ्टर 5.15 to 5.2 एंगस्ट्रॉम ये स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा, ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है, इट्स इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 10 exponential minus 10 meters, या आप इसको -1 nanometer कह सकते हैं। सो इन दोनों साइंटिस्ट ने एस्टबरी के इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया, जिसमें उसका ये डेटा था कि जो आपके पास केराटिन प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर आफ्टर 5.15 टू 5.2 एंगस्ट्रॉम अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब उसी तरह का स्ट्रक्चर दोबारा आपको देखने को मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे यूं ही कि लेट्स से आपके पास ये एक केराटिन प्रोटीन है, लाइक से ये एक हेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये जो दो मैं यहाँ पर पार्टीशन कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये आपस में से आफ्टर 5.15 के डिस्टेंस हैं। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, मतलब कि जो आपके पास प्रोटीन है, वो इस कन्फर्मेशन में है, तो आफ्टर 5.15 या 5.2 एंगस्ट्रॉम वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, मतलब कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटिंग
5.15 टू 5.2 एंगस्ट्रॉम आफ्टर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डेटा था, प्लस उनके पास एक और इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि रामाचंद्रन ने उन्हें एक और बात बता दी थी कि आपके पास दो जो बॉन्ड्स हैं इनसाइड दैट पर्टिकुलर पेप्टाइड रीजन, मतलब कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है उसका जो एक प्लेन है उसकी दो बॉन्ड्स आपके पास रोटेट कर सकती हैं, कौन कौन सी, फाई वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फाई, मतलब कि द बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन एंड साई, यानी द बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्फा कार्बन, ये आपके पास क्या कर सकती हैं, ये आपके पास रोटेट कर सकती हैं, रोटेट। और जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब द बॉन्ड विच यू कॉल्ड ओमेगा इन बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक, इट इज व्हाट, इट इज रिजिड, ये मूव नहीं कर सकती, बिकॉज आपको पता है कि इट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड ना, और जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है वो पार्शली डबल बॉन्ड होती है जो कि रोटेट नहीं कर सकती। एक ये इन्फॉर्मेशन थी और एक ये इन्फॉर्मेशन थी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को मिलाने के बाद पॉलिंग एंड कोरी ने अपना एक मॉडल पेश किया जिसमें उन्होंने अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं कि उनके मॉडल में उन्होंने हमें क्या बताया। सो अगर उनके मॉडल की अगर बात करें, सो दे से दैट कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है, जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है वो इनसाइड अल्फा हेलिक्स अपने आप को एक हेलिकल कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो आपके पास एक लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं एक पॉलीपेप्टाइड बनाता हूँ, पॉलीपेप्टाइड मींस इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये इन शॉर्ट बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हों, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है। अब उन्हें अपने मॉडल में ये बताया कि जो आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड है ये अपने आप को एक हेलिकल कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, हेलिकल कन्फर्मेशन, हेलिकल कन्फर्मेशन को आप लोग स्प्रिंग कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कन्फर्मेशन। अगर मोर एक्सप्लेन करूं, सो स्प्रिंग आपको पता है ना कुछ इस तरह से होता है, इफ आई ड्रॉ इस तरह से, तो उन्होंने बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड है ये अपने आप को अल्फा हेलिक्स के अंदर इस तरह की हेलिकल कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। दे सेड दैट कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड है दे रोटेट अराउंड an imaginary axis which passes throughout this alpha helix। उन्होंने ये बताया कि let's say for example ये imaginary axis है, axis means a line, आई होप सो कि ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन लेट्स से कि ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट एक्सिस है। दे सेड दैट कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो अपने आप को इस इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट करते हैं, ये एग्जैक्ट आपको शायद मैं 3D नहीं बना सकता कि किस तरह से ये इसका मतलब क्या है, लेकिन आई होप सो कि आपको इमेजिन हो रहा होगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट के ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये इस लाइन के इर्द गिर्द ऐसे गोल गोल घूम रही है, आपको पता है ना जो स्प्रिंग होता है वो एक लाइन के इर्द गिर्द, इन शॉर्ट अगर आप उसको बिल्कुल उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो गोल गोल घूम रहा होता है और वो नीचे की तरफ स्पायरलिंग मूवमेंट कर रहा होता है, यानी कि उसकी जो आपके पास शेप है वो इस तरह से होती है कि एक लंबी सी रॉड होती है मेटल की बिल्कुल पतली सी और वो गोल गोल घूम के एक नीचे की तरफ जा रही होती है। सो उसी तरह से जो आपका पॉलीपेप्टाइड है वो इस कन्फर्मेशन में अपने आप को ढालता है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात अपने मॉडल में ये की कि जितने भी आर ग्रुप्स होते हैं, जितने भी आर ग्रुप्स क्या है, आई होप सो कि आपको इतना तो पता होना चाहिए। देखें आपको पता है ना जो आपके पास अमाइनो एसिड का अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं, सो बीच में आपका अल्फा कार्बन, ऊपर आपके पास एक हाइड्रोजन होती है, इस तरफ आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पर आपके पास एक अमाइन ग्रुप होता है और बिल्कुल नीचे आपके पास एक आर ग्रुप होता है जिसकी बिहाफ के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड के डिफरेंट 20 टाइप्स आपके पास जो कॉमन 20 टाइप्स हैं वो इसी बिहाफ पे है ना कि उनके पास डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के पास एच होता है, फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन के पास एक इमिडाजोल रिंग होती है, फॉर एग्जांपल लाइसिन के पास एक लंबी कार्बन चेन और वहाँ पर एंड में आपके पास एक नाइट्रोजन मतलब कि एक अमाइन ग्रुप लगा होता है। सो इस तरह से आर ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, तो आर ग्रुप आपके पास उन्होंने ये बताया कि जब एक पॉलीपेप्टाइड अपने आप को इस हेलिकल कन्फर्मेशन में ढालेगा तो जितने भी आर ग्रुप्स होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू दैट इमेजिनरी एक्सिस। मतलब कि लेट्स से कि अगर ये अमाइनो एसिड है तो इसका जो आर ग्रुप होगा वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगा, इसका भी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगा, इसका भी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि जितने भी आर ग्रुप्स होंगे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर कहते हैं कि 90 डिग्री के एंगल बना रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये जो आर ग्रुप है लेट्स से ये देखें तो यहाँ पर आपको
आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है इस आर ग्रुप का विद दिस परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई। अच्छा, अब ये तो उनकी कुछ आपके पास एजम्पशन थी कि आपका जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है वो अल्फा हेलिक्स के अंदर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि जो पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड है वो एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, प्लस जितने भी आर ग्रुप्स होंगे, बिकॉज एक पॉलीपेप्टाइड की कन्फर्मेशन में एक तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड की बेसिक चेन होती है, मतलब अमाइनो एसिड किस कन्फर्मेशन में है, ठीक है, प्लस आपके पास आर ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज कन्फर्मेशन में ये है। लेकिन अगर आप बात करते हैं करेक्टराइजेशन की कि इस अल्फा हेलिक्स की क्या क्या करेक्टर्स हैं, तो उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स तक या इसकी कन्फर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं दे आर अराउंड दिस इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कि इट गेट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जितने भी आपके पास आर ग्रुप्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं विद दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो आपके पास ये रोटेशन है दिस पॉलीपेप्टाइड की अराउंड दिस इमेजिनरी एक्सिस, ये दो किस्म की हो सकती है, ये राइट हैंडेड भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, इट कैन बी राइट हैंडेड और इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, राइट हैंडेड को आप लोग एंटी क्लॉक भी कह सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। आई होप सो कि इसको एंटी क्लॉक ही कहते होंगे, बिकॉज मैं इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है एंटी क्लॉक एंड इसको क्लॉकवाइज। अच्छा, मतलब कि ये दो किस्म से रोटेट कर सकता है, मतलब अल्फा हेलिक्स ने अगर इमेजिनरी एक्सिस के रोटेट करना है राइट, तो आया तो वो राइट हैंडेड कर सकता है या तो वो लेफ्ट हैंडेड कर सकता है। राइट हैंडेड मतलब कि वो इस तरह से रोटेट करे यूं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट हैंड की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से करे क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज नीचे की तरफ रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ रोटेट करे। तो मतलब कि ये जो आपके पास अल्फा हेलिक्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड की जो रोटेशन अराउंड दिस इमेजिनरी एक्सिस, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंडेड और इट कैन बी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंडेड। सो भाई, इसके कुछ मजे मजे के कैरेक्टराइजेशन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को उसकी अपनी एक खास किस्म की आइडेंटिटी देती है, जिसकी बिहाफ के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर प्राइमरी है कौन सा स्ट्रक्चर सेकेंडरी है। जो जो आपके पास सेकेंडरी होता है उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमाइड नाइट्रोजन ऑफ द अमाइन ग्रुप। सब आइए, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। सो द फर्स्ट वन इज विच इज लिंक विद दैट एस्बरी एक्सपेरिमेंट, वो ये है कि जो आपके पास अल्फा हेलिक्स की पिच है, अल्फा हेलिक्स पिच, इट्स अबाउट 5.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब पिच क्या है, पिच मीन्स के कितना आपके पास जो अल्फा हेलिक्स है उसकी एक टर्न का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, आई होप सो कि ये आपका एज्यूम होगा, मतलब के पिच मींस दैट कि कितने डिस्टेंस के बाद वो जो एक पॉलीपेप्टाइड है वो एक टर्न मुकम्मल कर रहा है। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक पूरी टर्न कंप्लीट हो रही है, मतलब कि इस पॉइंट के बाद दोबारा से वो एक जो सर्कल है वो स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज योर पिच, और ये कितनी होती है, इट्स अराउंड 5.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आपको पता है ना कि 5.4 एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू -10 exponential -10 मीटर्स -1 नैनोमीटर, ठीक है, इट्स 0.54 नैनोमीटर, ठीक है, 540 माइक्रोमीटर, बट इट इज 540 माइक्रोमीटर, राइट। सो ये आपके पास पिच ऑफ द हेलिक्स है, मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ ईच टर्न इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। एस्बरी ने कितना बताया था, 5.15 to 5.2, एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उससे कोरिलेट कर सकता है, बिकॉज यू कैन नो ना कि अगर आपके पास जो एक एक्यूरेसी है वो अगर इन बिटवीन वन वैल्यू है, मतलब कि प्लस माइनस वन के अंदर है, तो यू ऑलमोस्ट कंसिडर इट करेक्ट, बिकॉज यू नो इतना आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है वो ये है कि जो आपके पास अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर जो फाई की वैल्यू है, इट्स अराउंड -60 डिग्री, और जो आपके पास साई की वैल्यू है इट्स अराउंड -40 to -45 डिग्री। लेट मी रेज इट, बिकॉज आई थिंक ये 6 कंसीडर आप लोग ना करें, बिकॉज बहुत मैटर करता है ईच डिग्री। अच्छा, ये माइनस क्या है, माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ दिस माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट, मतलब के अल्फा हेलिक्स के अंदर जो आपके पास फाई की वैल्यू है, मतलब द बॉन्ड इन बिटवीन, मतलब के फाई इज द बॉन्ड एंगल
ऑफ योर फाइव बॉन्ड, मतलब कि फाइव बॉन्ड कौन सी थी, द बॉन्ड इन बिटवीन अमाइड नाइट्रोजन एंड द अल्फा कार्बन, और साई कौन सी थी, द बॉन्ड इन बिटवीन योर अल्फा कार्बन एंड द कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो वो जो दो बॉन्ड्स हैं उनकी जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, टॉर्शनल एंगल की बात की जा रही है। आई होप सो कि आपने रामाचंद्र प्लॉट देखा होगा, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये नहीं समझ आने वाला कि फाई कौन सा एंगल है, साई कौन सा एंगल है। सो अगर आप इन दोनों को समझना चाहते हैं तो प्लीज वॉच दैट वीडियो बिफोर। ओके, सो इसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि जो आपके पास अल्फा हेलिक्स के अंदर ईच टर्न कॉन्टेन अराउंड 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, मतलब कि इस 5.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के अंदर कितने अमाइनो एसिड आते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 3.6, नेदर इट इज 3 नेदर इट इज 4, इट्स 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अच्छा, इसके बाद तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो ये है कि इन अल्फा हेलिक्स एवरी फर्स्ट अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन bonded with fourth one, मतलब के जो हर पहला अमाइनो एसिड होगा वो फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ही स्पेशल किस्म की है, बिकॉज इट इज इन बिटवीन द कार्बोनाइल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज आप पता है ना कि जो आपके पास अमाइनो एसिड है उसके अंदर अगर आप मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सो देर इज यूर ओ एच, देर इज यूर कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास अमाइड होता है, अमाइड के आपके पास कुछ हाइड्रोजन होते हैं, राइट, यहाँ पर आपके पास आर ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास दिस अल्फा कार्बन्स, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है ये वाली, द फर्स्ट, मतलब कि द हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड, इट इज इन बिटवीन दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन, राइट, दिस वन, एंड इट इज इन बिटवीन विद अमाइड हाइड्रोजन, this is amides hydrogen this one, ये, because आपको पता है ना कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा। सो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इस कार्बन का, मतलब के एक अमाइनो एसिड का ये कार्बोनाइल और दूसरे अमाइनो एसिड का ये अमाइड ग्रुप आपस में वाई दिस हाइड्रोजन, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, एक बात आपने याद रखनी है, और दिस फर्स्ट विद द फोर्थ एंड इसी तरह से सेकंड विद फिफ्थ, ये आगे चलता रहेगा, मतलब ये एवरी फर्स्ट अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फिफ्थ वन, विद द फोर्थ वन, सॉरी, सेकंड विद फिफ्थ, इसी तरह से थर्ड विद एग्जैक्टली सिक्स, और ये इस तरह से चलता रहेगा, मतलब कि आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ टू अमाइनो एसिड एवरी मतलब के दो आपके पास जो फर्स्ट एंड द फोर्थ है, इट इज इन बिटवीन, मतलब कि इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड इन बिटवीन ईच अदर। सो आप पता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज फॉर्म इन बिटवीन इस तरह से, तो ये आपके पास इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विच कैरेक्टराइज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बिकॉज सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या कैरेक्टर है, उसमें ये आपके पास कैरेक्टर होती है कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो बनती है किसके दरमियान, इन बिटवीन दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड इन बिटवीन दिस अमाइड हाइड्रोजन। यहाँ पर जो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इट इज एक्टिंग एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड दिस नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज अ हाइड्रोजन डोनर, बिकॉज ये आपके पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है सबसे मजे की बात, ये ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कौन सी, ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सो कि आपने मेरी वाटर बायोकेमिस्ट्री सीरीज देखी होगी जिसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड की कैरेक्टर में डिस्कस किया था कि ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी होती है और लीस्ट ऑप्टिमल कौन सी होती है, ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी तो मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा उनके ग्लिम्स दे देने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड। देखें, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें डोनर एंड एक्सेप्टर एटम आर इन द सेम लाइन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, वो होती है ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमल होती है, ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड। As you can see the structure of alpha helix,
इसके अंदर आप लोग को तमाम कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि जो जो मैंने आपको बताए थे। आर ग्रुप देखें, इट इज परपेंडिकुलर विद दिस इमेजिनरी एक्सिस। लेकिन जो चीज आपने नोट करनी की है कि इसमें ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से, देखें जो आपके पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और जो आपके पास हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है विच इज अटैच विद द नाइट्रोजन, और जो आपके पास नाइट्रोजन है वो तमाम के तमाम एक सिंगल लाइन के अंदर है। कोई किसी किस्म का एंगल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड का, बिकॉज जब एंगल आता है तो वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की ऑप्टिमिसिटी है, ठीक है, जो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला एक कैरेक्टर है जिसमें वो तब होगा जब वो सारे के सारे एटम जो कि उसमें इन्वॉल्व होंगे वो एक लाइन में होंगे। तो यहाँ पर देखें वो तमाम के तमाम एक लाइन में है, तो मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी द मोस्ट यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो तब बनती है जब तमाम के तमाम जो आपके पास एटम्स होते हैं, ठीक है, जो कि उस बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। सो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था आपके पास अल्फा हेलिक्स का। सो अगर फर्दर बात करें रिगार्डिंग दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस अल्फा हेलिक्स, उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही है। ओके सो इसके बाद आपके पास बात है रिगार्डिंग यूर हेलिक्स डायपोल, स्टेबलाइजिंग हेलिक्स डायपोल। ओके बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबलाइजिंग हेलिक्स डायपोल। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? डायपोल तो आप पता है कि एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस होते हैं। अच्छा, अब इसका इसकी स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? देखें, आपको पता है कि अगर अल्फा हेलिक्स को मैं यहाँ पर बनाऊं तो लेट्स से ये आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है। आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स के एक एंड को आप लोग एन टर्मिनल कहते हैं और एक को आप लोग सी टर्मिनल कहते हैं। एन टर्मिनल जिसके ऊपर अमाइड ग्रुप लगा होता है इस तरह से, इट इज NH3 पॉजिटिव, ठीक है, और जो सी टर्मिनल होता है इट इज COO नेगेटिव। दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया। वाई? बिकॉज इट वॉज एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बेसिक था तो उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? देखें, जो आपके पास एंड टर्मिनल वाले अमाइनो एसिड होते हैं आखिर वाले, आपको पता है कि उन एक का अमाइन ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होंगे, बिकॉज अगर ये बीच में कहीं है तो ये दोनों के दोनों यूज होने इन साइड द मेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड किन दो ग्रुप के दरमियान बनती है? अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप ये टर्मिनल में है तो जाहिर सी बात है कि आखिर वाले जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक तरफ से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना, तो जो एंड वाले होते हैं उनमें से एक का मतलब कि दो होंगे ना, एक एन होगा और एक सी टर्मिनल, एक का अमाइन ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। अमाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बोक्सिलिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों चार्ज को स्टेबलाइज करना है। ये स्टेबलाइज इस तरह से करेंगे, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आप लोग केमिस्ट्री में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि COOH, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा कार्बन है और यहाँ पर आपके पास इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ग्रुप लगा हुआ है, राइट, पॉजिटिव। अच्छा, आपको पता है कि इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास एटम है वही ऑक्सीजन है, और ये तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ऑन द अदर एंड यहाँ पर इस अमाइन का भी यही है कि इट इज स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसकी वजह से जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो तमाम के तमाम इस एंड से उस एंड की तरफ मूव करेंगे। वाई? बिकॉज इट इज लिटिल बिट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर दिस ऑक्सीजन, और सेम इज द केस गोज फॉर दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का। लेकिन बिकॉज इसके पास एक दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप इसके साथ अटैच है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट बैलेंस हो रहा है। तो यही बैलेंसिंग हमने यहां पर दिखानी है। हमने क्या करना है? हमने, आपको पता है कि आपके पास जो COO नेगेटिव वाले जो एंड होगा, अगर आपने उसकी नेगेटिविटी को आपने बैलेंस करना है तो इस रीजन में जो मोस्टली आपके पास अमाइनो एसिड होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, मतलब के सी टर्मिनल, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मतलब के सी टर्मिनल हैव ये कंटेन पॉजिटिव आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। वाई? बिकॉज देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड यहां पर होंगे, आर ग्रुप
जिसका जो आपके पास चार्ज है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिविटी की वजह से इसका जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों आप एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यही होगा। इसी की वजह से आपके पास हेलिक्स का डायपोल है वो स्टेबल होगा। एंड सेम इज द केस गोस फॉर द एंड टर्मिनल, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा आपके पास अमाइनो एसिड रिच होंगे इस रीजन में, एग्जैक्टली विच कंटेन नेगेटिव आर ग्रुप, बिकॉज आपको पता है ना कि आर ग्रुप कैन बी मेनी ऑफ टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल वो नॉन पोलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो पोलर एंड नॉन चार्ज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज के अंदर भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास एन टर्मिनल होगा इट कॉन्टेन्स आर ग्रुप विच कॉन्टेन नेगेटिव चार्ज होगा, एंड इसी तरह से सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कॉन्टेन दैट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड विच कॉन्टेन पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा भी लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस हो, दैट के एन टर्मिनल हैव पॉजिटिव, यहाँ पर एग्जैक्टली नेगेटिव आर ग्रुप कंटेनिंग सॉरी फॉर दिस मिक्स अप अमाइनो एसिड, राइट। इसके अलावा एक लास्ट कैरेक्टर है उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड आर टू अमाइनो एसिड अपार्ट, मतलब के इट्स कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड आर टू अमाइनो एसिड अपार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे के जो आपस में एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हो, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब के एज यू नो के जो आपस पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब जिनके पास पॉजिटिव आर ग्रुप होते हैं दे आर एफिनेट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक वो एफिनिटी रखते हैं टुवर्ड्स अदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। तो इस तरह से वो अमाइनो एसिड जो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं या इन शॉर्ट एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं, अच्छा व्हाई दीज हाइड्रोफोबिक आर एफिनेट टुवर्ड्स हाइड्रोफोबिक, बिकॉज दे कंटेन फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड दे कैन फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। सो इस तरह से वो तमाम अमाइनो एसिड जो कि एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हो फेवरेबली, थर्मोडायनेमिकली जिनके इंट्रैक्शन फेवरेबल हो, वो दो अमाइनो एसिड अपार्ट होते हैं, बिकॉज आप पता है कि दो अमाइनो एसिड अपार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, यानी वो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अगर वो एक दूसरे के करीब होते हैं और अगर करीब होने के साथ साथ वो एक दूसरे के कैरेक्टर को बैलेंस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव अमाइनो एसिड दूसरे नेगेटिव अमाइनो एसिड को बैलेंस कर रहा है, तो ये इस हेलिक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। सो इसी तरह से जितने भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड होते हैं दे आर फाउंड टू अमाइनो एसिड अपार्ट, ताकि वो एक दूसरे के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल के अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर ये दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है, तो ये अपनी हाइड्रोफोबिसिटी को कम कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो इस तरह से जो आपस कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड होते हैं दे आर प्रेजेंट टू अमाइनो एसिड अपार्ट, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके। सो ये कुछ कैरेक्टराइजेशन थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे डिसकैरेक्टर्स भी हैं जो कि आपके पास अल्फा हेलिक्स को अनस्टेबल करते हैं। सो भाई उनके ऊपर बात करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। कॉन्स्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी चीज़ को डिस्टेबल करें, ठीक है, ये इन शॉर्ट उसको उतनी स्टेबिलिटी ना दें। सो फर्स्ट इज दैट जो कि हम लोगों ने भी लास्ट कैरेक्टर का एंटी है, विच इज द अनकॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड टू टू थ्री अमाइनो एसिड अपार्ट, विच इज दैट अनकॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड आर टू टू थ्री अमाइनो एसिड अपार्ट। अनकॉम्प्लीमेंट्री मतलब फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड विद नेगेटिव आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड आर ग्रुप। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास पॉजिटिव विद पॉजिटिव, इस तरह से बल्कियर आर ग्रुप 2 to 3 amino acid apart from another bulkier group, bulkier बिकॉज ये जितने भी अमाइनो एसिड अगर दो से तीन अमाइनो एसिड अपार्ट होंगे तो एक दूसरे को डिस्टेबल करेंगे, बिकॉज नेगेटिव ऑलवेज रिपेल नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव, और जो बल्कियर आर ग्रुप होता है वो दूसरे बल्कियर आर ग्रुप को रिपेल करता है, बिकॉज इनके दरमियान क्या होती है, इनके दरमियान होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको इस बारे में बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि टेंशन इन बिटवीन टू हैवी न्यूक्लियस, सिमिलरली आसान तरीके से
तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन, ये जो आपके पास अमाइनो एसिड जो कि अनकॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर वो दो से तीन अमाइनो एसिड अपार्ट एग्जिस्ट करते हैं एक अल्फा हेलिक्स के अंदर, तो वो उस अल्फा हेलिक्स को डीस्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा एक और है, वो ये है कि ग्लाइसिन और प्रोलिन की एग्जिस्टेंस इन द अल्फा हेलिक्स। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास ग्लाइसिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइसिन ग्लाइसिन इट इज वॉट, इट इज अल्ट्रा फ्लेक्सीबल, यू कैन से हाइपर फ्लेक्सीबल, नॉट अल्ट्रा, हाइपर इज द मोर प्रोमिनेंट वर्ड, हाइपर फ्लेक्सीबल। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप होता है, इट्स नथिंग बट अ हाइड्रोजन एटम, और ये जब हाइड्रोजन एटम एक अल्फा कार्बन के ऊपर होगा तो उसकी वजह से वो जो आपके पास पूरा का पूरा अमाइनो एसिड है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होगा। मतलब उसकी फाई एंड साई की जो रोटेशन है वो बहुत डिफरेंट रेंजेस में होगी, मतलब कि वो एक खास किस्म की एंगल्स के ऊपर अपने आप को नहीं रख पाएगा, वो हर वक्त मूव करते रहेगा, जिसकी वजह से वो जो खास हेलिकल कन्फर्मेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। ग्लाइसिन उस अल्फा हेलिक्स की कन्फर्मेशन में जा तो सकता है लेकिन वहां पर मेंटेन नहीं रह सकता बिकॉज इट इज हाइपर फ्लेक्सीबल। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास प्रोलीन है, प्रोलीन उसकी जो आपके पास एग्जिस्टेंस है इनसाइड दिस अल्फा हेलिक्स, इट इज आल्सो मेकिंग दिस अल्फा हेलिक्स अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज हाइपर रिजिड, हाइपर रिजिड। बिकॉज आप पता है कि जो आपके पास अल्फा हेलिक्स था उसके आपके पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे ना, एक तो ये था कि वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, और दूसरा ये था कि उसके खास किस्म की फाई एंड साई रोटेशन होती थी, यानी कि एक खास किस्म का फाई एंगल था और एक खास किस्म का साई एंगल था। अब इसके अंदर जो आपके पास फाई एंगल है वो नहीं होता, क्या नहीं होता, मतलब कि जो आपके पास फाई बॉन्ड है इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि उसकी जो रोटेशन है इट डज नॉट एग्जिस्ट। फाई बॉन्ड तो होती है लेकिन उसकी रोटेशन नहीं होती। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर प्रोलीन का स्ट्रक्चर बना हूँ तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उसका अल्फा कार्बन, ये उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या उसका अल्फा हाइड्रोजन, ये उसका अमाइड ग्रुप, इस तरह से। आपको पता है कि इसके अंदर मतलब कि जो आपके पास प्रोलीन है उसके अंदर होता यह है कि एक थ्री कार्बन की चेन होती है और उसमें जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन वो अमाइड के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है। और आपको पता है कि जब ये आपका जो फाई बॉन्ड है जब ये इस रिंग के अंदर आ गई तो ये रोटेट नहीं कर सकती, इसकी रोटेशन अब पॉसिबल नहीं है, और जब ये रोटेट नहीं कर सकती तो वह इस प्रोलीन को रिजिड बना देती है। और इसका एक और रीजन ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जब ये नाइट्रोजन जो है जब ये एक खास किस्म की पेप्टाइड बॉन्ड को इख्तियार करेगा, मतलब जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो ये जो हाइड्रोजन इसके ऊपर था ये यूज हो जाएगा बिकॉज ये वाटर में रिमूव हो जाएगा। बिकॉज आप पता है ना कि जो आपको जब पेप्टाइड बॉन्ड बनती है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो एक हाइड्रोजन इससे जाएगा, ये OH यहां से जाएगा। सो जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। आपको पता है कि जब अल्फा हेलिक्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के बाद जब जो आपके पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है और अमाइड के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, लेकिन नाउ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड अगर वहां पर वो प्रोलीन प्रेजेंट है। यानी इन शॉर्ट ये कि ये दोनों करेक्टर, रिजिड फाई बॉन्ड एंड द एबसेंस ऑफ दिस अमाइड हाइड्रोजन, विल मेक द प्रोलीन unstable for this alpha helix. So that was it with this lecture. I hope so कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। So if you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।